ब्लैक फॉरेस्ट कप केक्स। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ब्लैक फॉरेस्ट कप केक्स की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इन चॉकलेट कपकेक्स को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3/4 कप चीनी ले ली है। तो आज मेरे पास पिसी चीनी नहीं है, तो मैं इस चीनी को डायरेक्टली मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ। ढक्कन लगा देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे चीनी हमारी पिस चुकी है, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें डाल देंगे, फिर ढक्कन लगा देंगे मिक्सी का और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने तक ग्राइंड कर लेंगे। तो ऑयल और चीनी तो अच्छे से मिक्स हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मटेरियल काफ़ी थिक हो गया है। तो इसमें मैंने 1/4 कप दूध डाल दिया है और अब हम फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए और दूध भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इस मिक्सर को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी का डिकॉक्शन। तो इसे दोस्तों बनाना बहुत ही आसान है। मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली, वो जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है जो हम घर में पीते हैं, उसे मैंने 2 टेबलस्पून गुनगुने पानी में मिक्स कर दिया। तो कॉफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई और इसे हमने इस मिक्सर में डाल दिया है। तो दोस्तों कभी भी कॉफ़ी पाउडर को डायरेक्टली केक के बैटर में मत डालिएगा क्योंकि वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगा। उसको इसी तरीके से पहले पानी में हल्का सा घोल दीजिएगा, तभी मिक्स करिएगा, तो ये आसानी से मिक्स भी हो जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर भी अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इसमें अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 + 1/4 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन दोनों ही चीज़ों के कॉम्बिनेशन से केक एकदम परफेक्ट बन करके आता है। तो अब हम इसमें 1/2 कप कोको पाउडर डाल देंगे और फिर सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। तो दोस्तों जब भी आप केक बनाएं तो सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान करके ही लीजिएगा क्योंकि कई बार हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कुछ लम्स होते हैं या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि कोको पाउडर में काफ़ी ज़्यादा लम्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये छन्नी के ऊपर रह जाते हैं, तो आप लम्स तोड़ सकते हैं और जितनी भी बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो केक के बैटर को मिक्स करने का वही तरीका होता है, कट एंड फोल्ड मेथड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम स्पैचुला को गोल घुमा रहे हैं और फिर पूरे मटेरियल को अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों केक के बैटर को मिक्स करते समय आप स्पैचुला या विस्क जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे ताकि उसमें एयर ट्रैप होती जाए। तो अब हमने इसमें 1/4 कप दूध और डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो टोटल इस बैटर को बनाने में हमें 1 कप दूध लगा है, मगर एक साथ इकट्ठा पूरा का पूरा दूध मत डाल दीजिएगा वरना बैटर गीला भी हो सकता है या फिर लम्स भी पड़ सकते हैं। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने मफ़न ट्रे निकाल दी है, इसमें पहले से ही मैंने मफ़न लाइनर लगा दिए हैं। तो अब हम इस बैटर को इन मफ़न मोल्ड्स में डाल देंगे और इन मफ़न मोल्ड्स को केवल हम 3/4 ही भरेंगे, केवल 3/4 ही भरेंगे ताकि इनको फूलने की जगह मिले। और अब हम इन कपकेक्स को एक प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 12 से 15 मिनट तक बेक कर लेंगे या फिर तब तक जब तक हमारा टूथपिक एकदम क्लीन नहीं आता। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और चॉकलेटी मफिन्स बन करके तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों इस समय ये मफिन्स ही हैं, इनको कपकेक बनाने के लिए इनके ऊपर थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लगानी पड़ेगी। तो आज हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट कपकेक्स। तो यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर की नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले ली है, इसको मैंने पहले से ही अच्छे से स्टिफ पीक आने तक व्हिप कर लिया था। तो अब हम इसको अपने कपकेक्स के ऊपर लगा देंगे और इसको ब्लैक फॉरेस्ट इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चेरी लगा दे रही हूँ। ऊपर से थोड़े से चॉकलेट शेविंग्स भी डाल सकते हो टू मेक इट मोर चॉकलेटी। तो दोस्तों इन कपकेक्स को बना करके आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को उनके बर्थडे पर भी गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ये अपनी बेटी के बर्थडे पर बनाए थे। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, प्यार से बनाएं एंड एंजॉय।